मौलवी तो इमाम अहमद बिन हंबल है, मौलवी तो इमाम अहमद बिन हंबल है। तीन बादशाह ना टक्कर ली जिन्हें हाँ जी वासिक ना भी मौतसिम नाल ते मामून नाल, तीन बादशाह का दौर गुजरिया। इमाम साहब न मार दिया उन्होंने, कोड़े मारे इमाम साहब ने, उन्हें बेड़ियां पवा के मौतसिम कहा सी इहनू उठ ते सवार करके मेरे को लियाओ। यह किवें हो सकता है बादशाह का आर्डर होवे ते मन्ने नहीं, इहनू बेड़ियां पाओ। ते बेड़ियां पा के इहनू उठ ते सवार करके लियाणा ते उन्हें आर्डर किया, उठ ते सवार होण लग्या वी इमाम अहमद बिन हंबल की मदद नहीं करनी, उतारण लग्या वी मदद नहीं करनी। ते बेड़ियां पईयां होवन ते कई बार डांदे सन इमाम अहमद बिन हंबल, उठ ते बहण लग्या ते उतरन उतरन वाले वी। ते बादशाह कहंदा सी दसो इह कुरान मखलूक है कि नहीं, फरमाया कुरान मखलूक नहीं है। फिर जल्लाद खड़े होंदे सन लैण च, ते हर जल्लाद नूं सी भाई सिर्फ दो कोड़े मारने ने ताकि मठा कोड़ा इमाम साहब नूं लगे, ताज़ा दम। हर जल्लाद हट के दो दो हट जा भाई नवा आवे, दो कोड़े मारे नवा आवे, ते दो कोड़े मारे। ते जदों भी इमाम साहब नूं कोड़ा मार के फारिग होंदे सन आप फरमांदे सन अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। फिर इमाम साहब अपने शागिर्दां नूं ते अवाम नूं तसल्ली देण वास्ते जदों आप नूं कोड़े ला के फारिग होंदे सन ना, जदों वक्फा मिलदा सी आप फरमांदे सन कुल्लन युसीबना इल्ला मा कतबल्लाहु लना व मौलाना व अलल्लाहि फलयतवक्कलिल मुमिनून। फरमाया मेरे हबीब तुसी ऐलान करो हरगिज़ कोई मुसीबत नहीं पहुंच सकती जब तक मेरे अल्लाह ने वो मेरे लिए लिख नहीं दिया।